सो गाइस, स्वागत है आपका नेपाल ट्रिप ब्लॉग के पार्ट 8 में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं लेक वाई और आगे। तो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, पिछली वीडियो में हम धनकुटा से निकले थे और हिले मोनेस्ट्री से होते हुए इस रोड से आगे गए। और गाइस, आज इस वीडियो में इस रोड से आगे जाते हुए लेकवा की साइड और नीचे अरुण नदी तक हम जाने वाले हैं। सो गाइस, हम इस नीचे वाली रोड से आए, अभी हम यहाँ से जाएंगे लेफ्ट और यहाँ से बीच में आएगी अरुण नदी। तो गाइस, वो भी आपको आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और ये जो लेफ्ट में आपको नदी दिख रही है, वो यही अरुण नदी है। So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't gonna make friends. Yeah, I ain't never slowing down, keep on going till I'm back. सो गाइज, ये वही अरुण नदी वाला ब्रिज है जिसकी लंबाई 120 मीटर और ये ब्रिज बना है फुल्ली स्टील से। और गाइज, इसके बेस में सपोर्ट नहीं है, स्टील इस एज से और दूसरे एज तक स्टील से ये पूरा बना हुआ है। With no questions in my own section, and they still disconnected because their mind's been infected and they're filled with objection, too filled for recollection. So we're losing all attention. They don't know I'm in contention because I'm gaining their attention because I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension in my passion, my profession. I'm attacking my obsession, taking action and progressing. Guys, ब्रिज के दूसरी साइड पहुंचते ही हमारा यहाँ पे फेरी बाजार स्टार्ट हो जाता है। ये छोटा सा बाजार टाइप है और इस जगह का नाम भी यही है और स्पीड लिमिट 30 की है। और गाइस, जहाँ हमको जाना है भोजपुर, ये है यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। और गाइस, ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया है, उससे आगे जाएंगे इस रूट के थ्रू। लेकिन गाइस, इससे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट में मुड़ जाएंगे, जैसा कि यह बाजार वगैरह है तो यहाँ पे हम लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद आगे वीडियो में निकलेंगे। गाइस यार, वीडियो में आगे वाला पार्ट काफी ज्यादा मजेदार है, काफी सारे ब्लूपर्स वगैरह है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। तो गाइज, व्हीकल को सही पोजीशन में खड़ा करके हम चले लंच करने, और आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ का लंच होता है, ट्रेडिशनल नेपाल का। वीडियो में देख ही लिया होगा, ब्रिज क्रॉस करके, जो ये वाला ब्रिज है, इसको क्रॉस करने के बाद इस जगह आ चुके हैं। यहाँ पे लंच वगैरह किया है ना, तो पीछे अपनी नदी है, यार नाम भूल गया, वीडियो में आगे देख लेना है, नीचे यहाँ पे डाल दूंगा कहीं पे क्या नाम था, और उस तरह का है। और अभी मतलब बिल्कुल बुखार जैसा फील हो रहा था, शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन खाना खाने के बाद काफ़ी सही हो गया। तो गाइस यार, व्लॉग को एंजॉय करते रहो और आगे भी मैं और शॉर्ट्स लेके आगे लगा दूंगा। तो यार, कुछ इस तरह से रास्ता है, पता नहीं ये कहीं और जाने का, ठीक है, नदी वगैरह के लिए। और हम जो जाएंगे उस ब्रिज के वहाँ से घूम के आए थे, तो अब यहाँ से सीधा ऊपर जाना है। तो गाइस यार, व्लॉग को एंजॉय करते रहो और बस। ये है काला सुअर, हम इसके पास ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ये हम इसके पास ज्यादा जाएंगे तो ये हमको ऐसे देख के ऐसे मार सकता है, इसलिए हमें इससे 200 कदम दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। थैंक यू। आज हमारे साथ हमारे रिपोर्टर महेश राज जी हैं, तो वो इस नदी का ब्यौरा देंगे और बाकी सारी चीजों की जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, हम अभी नेपाल के अरुणा नदी में है, ये इतनी खतरनाक नदी है, अगर बरसात के दिनों में इतनी भर जाती है कि ये पूरा पुल डूब जाता है, तो इसलिए हमें से थोड़ा खौफ में रहना चाहिए, इसके ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, ज्यादा पास गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो सकता है। ये नदी खूब बड़ी है,
ये नदी खूब बड़ी है, गंगा की तरह है ये हमारी, लेकिन ये नेपाल की गंगा कहलाती है हम इसे, क्योंकि हम अभी नेपाल में है, इसलिए नेपाल में है, क्योंकि कोई गंगा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे अरुणा नदी है, और अरुणा नदी जैसी कोई और नदी नहीं है। सो थैंक यू आपका होस्ट और दोस्त महेश राज के साथ टेक्निकल डॉक्स पे। तो हम शिवराज जी से भी जान लेते हैं इस नदी के बारे में। नदी तो बहुत इंजॉयफुल है, बहुत मज़ा आ रहा है, फैमिली को हमें मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, चिरंजीव के साथ मैं भी हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है हर बंदे का, और काफ़ी मतलब अच्छा नज़ारा है। तो ब्लॉग को आगे इंजॉय करते रहो, और तो गाइज आपने देख लिया यार कितना मज़ा आया वहाँ पे। तो गाइज अब हम फिर वापस निकल चुके हैं ना यहाँ से, और पिछला जो शॉट दिखाया था वो उस जगह का दिखाया था जहाँ पे हम रुके थे, और यहाँ से आ जाता है माझीटार, ये जगह स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, और वो जो लेगवा वाला जो पोर्शन है पीछे जो लेगवा था वो वहाँ से इस बोर्ड के थ्रू यहाँ से ख़त्म हो जाता है। Next one they think that I'm broken, I cause a commotion. No need for promotion, I'm staying in motion. I keep the devotion, the words that are spoken. And when is the slogan so cold that you're frozen? Fast like the ocean, we pass those emotions and stay so outspoken. Falling like I'm Obama on the show. And we about to blow. All on the radio. Hey, hey, hey. Look at me, fuck with me. Hate on me, love on me. Look at me, fuck with me. Hate on me, love on me, I don't know how I'm functioning. I just keep on hustling, pour it up, it's bubbling. I got one life, so I'm guzzling. Hey, count it. 100 tracks, what you know about it, bitch, don't doubt it. Count it. 100 tracks, what you know about it, bitch, go count it. और गाइज यहाँ पे आप वापस से राइट में देख सकते हो हम कितनी दूर आ चुके हैं नदी से, और वो अरुण नदी वहाँ पे आप देख सकते हो। I ain't got no need for contraception. Put my bros before my hoes, that's no misconception. और गाइज फिलहाल हमें है जरोटर बाजार के पास, और जरोटर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। Got no cheek to spend my shit, more money I can blow. I put my bros before hoes, you already know. I got a million problems, but a bitch ain't want no more. Let's go. And all I fucking know is I got my bros, and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my bros. गाइज़ एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये वाली जो रोड है ना, मतलब गाइज़ इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई है गाइज़, और मतलब यहाँ पे ड्राइवर लोग इतनी स्पीड से चलाते हैं टर्न्स वगैरह के लिए गाइज़। और एक चीज़ में अगर आप मेरे को पहले वाले पिछले व्लॉग से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा यहाँ पे कितने प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं गाइज़, उसी तरह से। और गाइज़ बस वगैरह में तो गाइज़ इतनी स्पीड में टर्न्स वगैरह होती हैं गाइज़, और आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, बहुत पहले से है ये रोड्स। तो गाइज़ एक तो ड्राइवर्स काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, और रोड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ होता है रोड बनाने के लिए वो भी मतलब काफी लंबे टाइम तक चलता है।
got no cheek to spend my shit more money. I can blow up, put my bros before hoes. You already know I got a million brothers, but a bitch ain't one no more. Let's go. And all I fucking know is I got my bros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my bros and wherever we're going, I put my bros before. तो गाइस अगली वीडियो में हम जराटार होते हुए आगे जाएंगे प्यावली और उससे आगे भोजपुर तक आगे जाएंगे। तो गाइस मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और बाय।